दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हो और आप किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट के पोस्ट पे जॉब करते हो तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट जरूर बनाया होगा। अगर आपने नहीं बनाया या आप पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को हम किस तरीके से तैयार करते हैं, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को हम किस तरीके से निकालते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विद इन्वेंट्री के साथ और विदाउट इन्वेंट्री। विद इन्वेंट्री का मतलब यानी कि हम ऐसी कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं जहां पर हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, स्टॉक वाइज हम परचेज और सेल करते हैं। तो अगर हम परचेज स्टॉक आइटम वाइज अगर हम परचेज या फिर सेल करते हैं तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जो अलग अलग वैल्यूएशन के हिसाब से अलग अलग मेथड के अनुसार हम इसका क्लोजिंग स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसी एक छोटी कंपनी का या हम छोटे शॉप की अगर हम बात करें उसकी अकाउंटिंग हम मेंटेन करते हैं जहाँ पर हम स्टॉक आइटम को मेंटेन नहीं करते, यानी कि परचेज और सेल का डाटा हमारे पास एक्यूरेट रहता है लेकिन हम उसमें स्टॉक आइटम को मेंटेन नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में जब हम सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी स्टॉक आइटम नहीं क्रिएट करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक यहाँ पर नहीं बताता है। तो हमें विदाउट इन्वेंट्री का क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस तरीके से हमें डालनी होती है सॉफ्टवेयर में, किस तरीके से हम हमारे प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा या घटा सकते हैं, तो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा तभी आप सारी बातें अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और आप देख रहे हैं स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भी हम इन्वेंट्री के साथ ट्रेडिंग अकाउंट को किस तरीके से तैयार करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट है और कुछ ट्रांजैक्शन भी मेरे पास ऑलरेडी में करी हुई है, यानी कि कुछ परचेज है, सेल है, पेमेंट है, रिसिप्ट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जहाँ पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट को देखना है। तो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएंगे, एल्ट F1 के साथ इसकी डिटेल को ओपन कर लेंगे। तो हमारी बिजनेस के अंदर हम अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि हम GST 12%, 18%, 28%, 5% और GST फ्री की परचेज हम करते हैं। तो परचेज करेंगे तो टैक्स फ्री 5, 12, 18, 28 की सेल भी करेंगे तो और उसी के अकॉर्डिंग हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम एक परचेज वाउचर को देखते हैं, जैसा कि मैंने एक लेज़र ओपन किया हुआ है परचेज का, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टॉक आइटम है, क्वान्टिटी है, रेट वगैरह हम यहाँ पर सब कुछ है जो मेनटेन करते हैं। तो अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा भी आपका ये जो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू निकालेगा ना, ये कहाँ कैसे निकालेगा भी, आपने टोटल परचेज किया, सेल किया, ठीक है, और आपके पास स्टॉक क्वांटिटी के अंदर कितना बच गया, इसको डिटेल के साथ हम समझते हैं। क्लोजिंग स्टॉक पर एंटर प्रेस करेंगे, Alt F1 के साथ डिटेल को ओपन कर लेंगे, F12 हम प्रेस करेंगे और उसके बाद के अंदर सारा डिटेल शो ओपनिंग बैलेंस, गुड्स इनवर्ड और गुड्स आउटवर्ड, यानी कि हम इन सभी ऑप्शन को, इन सभी फीचर्स को हम यस कर लेंगे और यस करने के बाद कंट्रोल ए के साथ विंडो को एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद देखो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में तो कुछ भी नहीं है लेकिन इनवर्ड यानी कि परचेज है, आउटवर्ड यानी कि सेल है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का जो बचा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं भी क्वांटिटी की पीस वाइज, यानी कि जैसे एक पास ये हमारे पास एक स्टॉक आइटम है आइटम बी के नाम से और इस आइटम को हमने 195 यानी कि 195 पीस हमने परचेज किया, 56 पीस इसको हमने सेल आउट किया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग ये 139 पीस है जो स्टॉक बच गया। अब ये तो था परचेज में से सेल लेस होने के बाद में, अब बात आएगी इसके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की। तो दोस्तों, अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डालने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं जहाँ पर जैसा कि आप सॉफ्टवेयर के अंदर देख रहे हो F8 करते हैं, वैल्यूएशन पे जाते हैं तो वैल्यूएशन के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे लिस्ट ऑफ वैल्यूएशन मेथड, यानी कि आपने जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डालनी है वो आप किस मेथड पे, आपकी जो कंपनी है कौन सा मेथड है जो फॉलो करती है। तो अमूमन क्या होता है भी, ज़्यादातर जो कंपनी होती है वो लास्ट परचेज कॉस्ट का ही यूज़ करती है। तो लास्ट परचेज कॉस्ट यानी कि आपके पास में जो उस प्रोडक्ट को आपने लास्ट में किस रेट से परचेज किया था उसका पर फीस का जो रेट था, टैक्सेबल रेट है, वो आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि हम एक बार पहले देख लेते हैं, अभी जो ये जो वैल्यू दिखा रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है और डिफ़ॉल्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक जो अभी आ रहा है वो आ रहा है 50,570 रुपये और 42 पैसे का। और हम एक बार इसकी
वैल्यूएशन चेंज कर देते हैं, लास्ट परचेज कॉस्ट हम करते हैं, तो अब उसके अकॉर्डिंग जैसे हमने लास्ट परचेज कॉस्ट किया, वैल्यू बढ़ गई 51,755 रुपये और 3 पैसे की वैल्यू होगी। तो अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर आप बढ़ती है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं भी लास्ट परचेज कॉस्ट का मतलब क्या आ गया। भाई जैसे यहाँ पर ये दिखा रहे हैं 116 रुपये और 25 पैसे के हिसाब से इस क्वांटिटी को ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसने ये जो 116 रुपये 25 पैसे की जो वैल्यू है ये इसने कहाँ से उठाई है, परचेज पे चलते हैं, परचेज देखेंगे, और ये जो लास्ट जो रेट उसने उठाया था ये लास्ट परचेज कर रहा था, यानी कि इस प्रोडक्ट को हमने जो बाद में लास्ट में जो हमने परचेज किया था उस वक्त इसका पर पीस का रेट था 116 रुपये और 25 पैसे का। तो यानी कि लास्ट परचेज कॉस्ट का मतलब हर स्टॉक आइटम की जो आपने लास्ट में परचेज किया हुआ है उसका टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो 121 रुपये और 98 पैसे की वैल्यू उठा रहा है, एंटर प्रेस करेंगे, परचेज भी आप चल के देख लो, और ये इसकी जो लास्ट परचेज है वो 121 रुपये और 98 पैसे की है। तो अमूमन हमारे पास होता वही है भी जो स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है वो जो हमने जस्ट लास्ट परचेज किया होता है वही हमारे पास स्टॉक बचा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को मान लेते हैं। तो हम क्लोजिंग यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट पे आएंगे और वैल्यूएशन पे जाएंगे, लास्ट परचेज कॉस्ट कर देंगे। अभी आप एक बार पहले देख लेते हैं, अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 151,771 रुपये का, और ये जो अभी स्टॉक की जो वैल्यू आ रही है ये बाई डिफॉल्ट आ रही है। वैल्यूएशन पे जाएंगे, लास्ट परचेज कॉस्ट पे करेंगे, जैसे हम करेंगे तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है यहाँ पे बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो था अगर हम विद इन्वेंट्री के साथ किसी बिजनेस के अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं तो वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिक आ जाता है, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हम हमारा स्टॉक की वैल्यू को एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं बिना इन्वेंट्री की, तो बिना इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया, अभी वहाँ पर आप स्टॉक आइटम को मेंटेन नहीं करते, स्टॉक आइटम आपने क्रिएट ही नहीं करी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, हम F11 हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है इन्वेंट्री का। अब इन्वेंट्री के अंदर आ जाएगा मेंटेन इन्वेंट्री, तो इस ऑप्शन को हम एक बार कर देते हैं नो करेंगे और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे हमने इसको यस कर दिया और आप देखोगे वापस हम ट्रेडिंग अकाउंट पे चलते हैं यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएंगे, तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास केवल परचेज की वैल्यू और खाली सेल की वैल्यू रह चुकी है, क्लोजिंग स्टॉक अब यहाँ से गायब हो चुका है, क्योंकि अकाउंट्स ओनली की मेथड के अंदर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर नहीं सकते, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर आएगी नहीं। लेकिन अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट को भी एडजस्ट करना है, जाहिर सी बात है अभी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक तो बचा होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है उस क्लोजिंग स्टॉक को हम किस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर आपको अब करना क्या होगा, सबसे पहले आपको कुछ लेज़र आपको क्रिएट करने हैं। लेज़र क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, क्रिएट पे हम जाएंगे, लेज़र पे हम चलते हैं, और यहाँ पर आप चाहो तो आप अपने 5%, 12%, 18% के हिसाब से अलग अलग स्टॉक मेंटेन कर सकते हो, या फिर आप इकट्ठा एक साथ स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक लेज़र बना दिया क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, और इसका ग्रुप हम रखेंगे स्टॉक इन हैंड में, और एंटर प्रेस कर रहे इस लेज़र को हमने एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वापस आपको एल्टर पे आना है, जो आपने लेज़र अभी सिलेक्ट किया था क्लोजिंग स्टॉक मेथड को, तो क्लोजिंग स्टॉक मेथड को हम यहाँ पर करेंगे, तो ये आपसे पूछ लेगा भी ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है तो हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस को भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आपके पास खाली क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक की आप वैल्यू डाल दो, या आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आप कौन सी डेट को देना चाहते हो। जैसा कि मैंने फॉर एग्जांपल एक बार, क्योंकि मेरा सेशन अभी 22-23 का चल रहा है तो मैंने 31 मार्च 23 का दे दिया, आप चाहो तो मंथ एंड का भी दे सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर दे दिया 31-8-2022 का, यानी कि 31-8-2022 को मेरे पास कितने का स्टॉक बचा हुआ है, तो मैंने एक बार एस्टिमेटेड डाल दिया 55,000 रुपये का, एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब हम वापस चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पे, तो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पे जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक तो आ गया लेकिन इसकी वैल्यू नहीं आई। अब वैल्यू न आने का कारण क्या हो गया, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने डाली थी वो 31 अगस्त 2022 को डाली थी, और अभी तक हमारे पास डाटा आ रहा है 14 जुलाई 2022 तक का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे L2 के साथ इसका पीरियड चेंज कर देंगे 31-8-2022।
तो जैसे हम 31/8/2022 प्रेस करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है 55,000 रुपये की वो आ चुकी है। और जैसे 55,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर जब भी हम वाउचर पे जाएंगे, परचेज पे जाएंगे, तो अब आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास स्टॉक आइटम का ऑप्शन है वो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि हमने स्टॉक आइटम को मेंटेन ही नहीं करना। अब आपको यहाँ पर केवल लेजर मेंटेन करना है भी आपने 5% की परचेज कितनी करी है, वैल्यू आप डाल दो 5,000 की, ठीक है। उसी तरीके से आप भी आपके परचेज टैक्सेबल है या नहीं है, GST आप 12% की आप वैल्यू यहाँ पे लेजर आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको केवल यहाँ पर लेजर ही सेलेक्ट कर रहे हो, आइटम को आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। तो उस तो जैसे हम इसको हम मेंटेन कर लेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेजर आपको क्रिएट करना पड़ेगा और लेजर क्रिएट करने के बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। डेट आप मंथ वाइज भी देख सकते हो, 30,000 का ये बैलेंस था, 31,500 का ये बैलेंस था, जैसे कि मैंने कह दिया 31 जुलाई का 55,000 था, 31/8 को मेरे पास 54,800 का रह गया, 30/9 के मेरे पास 56,000 का रह गया। तो इस तरीके से आप मंथ वाइज यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू अभी डाल सकते हो। तो जैसे आप डालोगे जिस मंथ का आप यहाँ पर दोगे, जैसे मैंने कह दिया भी 1/4 से लेके 30/9 तक, तो 30/9 तक हमने जो वैल्यू दी थी 56,000 रुपये की, तो हमारे पास 56,000 रुपये का स्टॉक उठाएगा। अगर आपने दे दिया यहाँ पे 31 जुलाई का पीरियड आपने, तो 31/7 के अंदर हमने दिया था 55,000 रुपये का, 31/8 हम अगर करते हैं यहाँ पर तो 31/8 हमने दिया था 54,800 का, तो ये 54,800 का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू उठाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए हम स्टॉक की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।